सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो वीतरागाय नमः नमर्थे भगवते अनंतसुखाय त्रिलोकशंकराय सत्यज्ञानाय सत्ब्राह्मणे महातंग सिद्धान्यक्षीशाय दंडेन पद्मावती सहिताय कुमिलक्ष्मण वेगायक्षीशहिताय मुनि आकाश श्रावक साकप संगप सर्विनाशनाय सर्वात्म चक्रवयम सर्पर्मंत्रम सर्नर्मारिम सर्नारिमारिम सर्धान्यमारिम निरोगं भवा तथास्तु। चंद्रप्रभुवास्तुवद्मलिवर्धमान पुष्पदं श्रीतन्मणिशुभ्रतनेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमो नमः। ओम नमोर्थे भगवते श्रीमते पिच्छिनासे दुष्कर्मशाय दिप्तेजो मूर्तये नमः। शांतिना शांति कराय सर्वपापं सर्वमनोविकारं 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 सर्वशांतिं सर्वशांतिं सर्वशांतिं। ओम ओम ब्रीम क्षमाडाम रम सब क्षमाडाम रम सब क्षमाडाम रम सब क्षमाडाम रम। ओम राम ब्रीम ब्रूम अस्य औषधिम नमः। शांतिर्वो शांतिम शांतिर्वो शांतिम शांतिर्वो शांतिम। मैं आपको ले चलता हूँ अभी विधान के लिए, लेकिन थोड़ा परिचय कराना चाहूँगा। आज का जो विधान है, बीच में जो खड़े हैं संपत लाल जी विजयवाड़ा, जो कि दक्षिण में है, किन्हीं कारणों से आ नहीं सके। बोले मेरे बेटे प्रसन्न सागर जी किए गए हैं, एक कोई मार्केटिंग करने गए हैं, वो बोले मैं घर को संभाल रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, आपके विधान को मैं संभाल लेता हूँ, यही हो सकता था। तो सामने अशोक कुमार जी उनकी धर्मपत्नी खड़ी हैं, इधर बगल में हमारे सुमन जी और उनके रामलाल खड़े हैं बगल में, सब लोग विधान में शामिल हुए हैं। और एक समृद्ध परिवार प्रतिष्ठित गणमान्य गुवाहाटी से हैं, आप लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं आज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ दूर सुदूर से लोग आ रहे हैं और पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रथम कलश की ओर। टीकम चंद जी मनोज कुमार बाप बेटे वो इंजीनियर हैं, और पिताजी आप देख ही रहे हैं अच्छे खुले दिल के हैं। मेरे बिहार में बहुत बड़ा सहयोग इन लोगों का रहा, और घर भी ले गए थे मुझे, लेकिन छोड़ दिया, वापस आ गया। उनकी धर्मपत्नी बगल में पड़ी है, इनकी मुस्कुराहट देखते चलिए और मेरी बातें सुनते चलिए, गए बड़े सुशील। उनके दामाद भी बगल में खड़े हुए हैं, दामाद है ना, हमें चश्मे में थोड़ा धूल लगी ना, कम दिख रहा है ना, सभी खड़े हैं। और बम्बई से आइए भरत कुमार जी, आप भी बीच के कलश के पास आके खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कि हम बड़ा नमोकार मंत्र हीरे का लेके आते हैं, आपकी ही ओर से भेंट बरसों पहले ने किया था, और ये बहुत बड़े हीरे के व्यापारी हैं और विदेशों में इनके ऑफिस है। मेरा आप सबके परिवार के लिए बहुत बहुत, ये अनिल कुमार जी का परिवार, उनके बेटे और बहू और उनके नाती और पोते सब एक साथ आए। अरे परिवार में अगर जिस दिन पूरा परिवार धर्म से जुड़ेगा तो धरती पे ही स्वर्ग दिखेगा, और धरती में घर में ही दिखेगा। मेरा आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, पुण्य की वृद्धि हो, समता सम्यक समाधि के अब धनी हो, आपका जब जग में यश फैले, आपका परिवार निरोग रहे, काया निरोग रहे, आपके घर में किसी भी अभाव का कभी भी डेरा ना पड़े, भगवान करे आप देवता भी आपके चरणों में प्रणाम करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुझे दे स्मरण करके सोते हैं तो उठते ही तेरा नाम लेते हैं, फिर भी पता नहीं तुझे क्या हो जाता, सपनों में तेरे दर्शन नहीं होते हैं, फिर भी क्या हो जाता, पता नहीं कौन सा कलम कौन सा टीका कौन सा भीतर काजल लगा है, आप दस्तक नहीं देते, बस स्मरण में आते हैं और गायब हो जाते हैं। एक बार अपनी आकृति दिखा दो, मेरी प्रकृति सुधार दो, अरे संस्कृति की तो बहुत देखी, अब मेरे संस्कार आके तुम्हें जगा दो, तुझे देख देख जगना,
तुझे देखते देखते सोना, मेरी ये जिंदगानी तेरी है दीवानी। क्या है, एक एक पंक्तियां आज इन पंक्तियों के दिल दिमाग में रख के भगवान की पूजा करो। आप जिस परमात्मा को मानते हो उसको सामने रखो, लेकिन सामने रख करके पूजा करो। अभी इनने गाया मंगल, कौन सा गाया मंगल, मंगल मंगल कर रहे थे ना, मंगलमय मंगल है ना, हाँ पूरे जगत का मंगल हो। क्या पूजा है, पूरे जगत का मंगल हो। वाह, सारे जगत के मंगल की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, हम अपने लिए नहीं कर रहे, जगत के लिए कर रहे। और जगत का मंगल हो तो हम भी जगत में बैठे, हमारा भी मंगल होगा। हाँ बोलिए बोलिए, दो लाइन इधर से बोलेंगे, दो लाइन। अच्छा है, किताब नहीं है। चरणों में बहता मल को दोता, सबकी प्यास बुझाता है, पर को उज्जवल करता, मृजल पूजन में पूजा जाता है। जो लोग छोटे बनकर के पूजा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, एक दिन वही तीर्थंकर बनते हैं। कितनी बड़ी बात है, चरणों में बहता मल को दोता। तीर्थंकर ऐसी तो बने, अपने आप को बहुत छोटा समझा, ना कुछ, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, आई एम नथिंग, आप पूजा कराइए मैं करने को तैयार हूँ। और जो झुकने की कला जानता है वो त्रिलोक पे पहुँचने की कला जानता है। कितना मधुर शब्द है, ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो जलादि अर्घ नृपम। बोले ही नहीं, ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो जलादि अर्घ्यम नृपम। दुर्गंध को हटा देना, अपना अस्तित्व मिटाने को जो तैयार होते हैं वही परमात्मा के अस्तित्व में समाहित होने को तत्पर होते हैं। अपना अस्तित्व मिटा करके, हमारा अस्तित्व क्या, हमारा वजूद क्या, हमारा अस्तित्व क्या, हमारा वजूद क्या, एक पैसे में बिक जाता है, बच्चा एक चॉकलेट में बिक जाता है, पत्नी एक अपशब्द सुन के भाग जाती है, पति तलाक लेने को तैयार है, अस्तित्व क्या है हमारा। हमने पत्नी के दिल में अपना स्थान नहीं बनाया, परमात्मा के अपने परमात्मा में दिल में कैसे स्थान बनाओगे। एक को घर के अपने घर को प्यार नहीं बांट पाए और तुम जमाने को प्यार क्या बांटोगे। अरे अस्तित्व मिटा दो अपना, पानी की बूंद जब सागर में जाकर समाहित होती है तो सागर उसे अपना जैसा बना लेता है, नहीं तो कीचड़ में पड़ जाती है। ओम ह्रीम चंदनादि स्वयं घिसके स्वयं मिटके, चंदन अपना अस्तित्व मिटा रहा है, घिसता है तो हर एक के माथे पे चढ़ता है, घिसता है तो हर एक के माथे पे चढ़ता है और चरणों में गिरता है तो आकाश में उठता है। ओम ह्रीम चंदन आदि अर्घ्य नृपमती। ऐसी आवाज निकालो, स्वाहा में बहुत कुछ है, स्वाहा वो था उसका स्वा कर दिया, अपना हा हो रहा है, नाच रहे हैं गा रहे हैं, मांगलिक शब्द है ये, पूरी जिस जान से लगाई मीठी पूरी आवाज निकालिएगा, कंठ खुल जाएगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा, नहीं तो यहाँ खकारते रहो। समझ में आया कि सुमन क्यों मुस्कुराई, सुमन सुमन से जिन शासन की बगिया से चुन चुन सुमन सलोने, कितनी सारी सुमन है, सुमन सुमन से जा मिली, सुमन सुमन की बात, सुमन सुमन ने सुमन से सुनी, हो गई सुमन की मुलाकात, सुमन सुमन से। ओम ह्रीम
पुष्पादि अर्घम निर्पामति। दीपादि किसके साथ है? दीप, कुलदीप नहीं, दीप। दीप माने मिट्टी का नहीं, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, पीतल का नहीं, मिट्टी का नहीं। ज्योत, ज्योत किसी से नहीं बनी होती, उसका अस्तित्व है। दिया बनता है, ज्योत नहीं बनती। ज्योत जग जाए तो आकाश की तरफ जाती है, और दिया गिर जाए तो धरती में मिट जाता है। ऐसी ज्योत उससे मिलाओ। ओम रिम देशास गुरुभ्यो दीपादि अर्घ्यम निर्पामति। तो फिर बाद में ही और एक आगे क्यों चढ़ाया? जल, चंदन, नक्षत्र, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल सब चढ़ा दी, फिर बाद में एक मुट्ठी और, ये क्यों चढ़ाया? तो भक्त ने कहा कि गुरुजी बात है। तो मेरे को बोलो, बता दो, मुझे समझा। बोले गुरुजी, अगर पूजा करते समय मेरा मन भटक गया, कोई एक अर्घ रह गया, तो मैंने सारे अर्घों को एक कर दिया और कह दिया भगवान से कि भगवान कोई कम रह गया तो इसमें से उठा लेना। कोई कम रह गया तो इसमें से उठा लेना। तो उनने मुझसे कहा, आपको महाराज जी समझ में आई? मैंने कहा कोई उदाहरण दो ना। बोले गुरुजी ऐसा होता है, जब कहीं अपन भोजन करने के लिए बैठते हैं, घर में बैठते हैं, दाल रोटी सब्जी सब खाने मिलती है। हाँ, मेरे को मिलती है। बोले आखिरी में चावल आता है? मैंने कहा आता है। बोले जानते हैं किसे कहते हैं चावल? मैंने कहा जिसे चबाने में नहीं लगे बल, उसका नाम चावल। तो बोले आखिरी में क्यों परोसा जाता है? इसलिए कि पेट में सब्जी रोटी के बीच में कहीं फिल इन दी विलन, कहीं जगह स्पेस रहेगा हो तो जाकर के उसके एक एक में जाकर फिट हो जाए, इसलिए अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ब्रीम देव सद्गुरुभ्यो जल चंदन आदि अर्घ्यम निर्वपामति। संपन्न पाषजींद्राय अत्र संवसठमान अतिष्ठाठ स्थापन अत्रम सनितो सत्सन्निधिकरण पुष्पांजलि पड़ी दो दो लाइन सुनो। ओम ब्रीम कमलपत्र जिताय पाषजींद्राय जलम निर्पामते। ओम ह्रीं कमभद्रजिता पार्श्वजिन्द्राय चरणं नृपामते। बात कही भगवान किसका है, परमात्मा किसका है? जो डूब रहे हैं तो परमात्मा कैसा है?
नौका के समान है। उनकी नौका भाव सागर में हमेशा चारों तरफ विचरण करती है और जो डूब रहे हैं उन्हें बचा के ले जाती है। और डूबने वाला ही भगवान को याद कर रहा, मस्ती करने वाला तो करते ही नहीं। देखो रमेश जी, अशोक जी, सही है ना, जो मस्ती में जी रहे हैं उन्हें भगवान का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कह देंगे ड्राइवर से, जाइए फूल लेके मंदिर में माली को देना, चढ़ा देगा। हाँ, भक्ति तो वही करते हैं कौन, जो दुखी है। एक बात और ब्यास जी, पता नहीं आपको मालूम कि नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, आदमी सुख में होता है तो फैलता है और दुख में होता है तो सिकुड़ता है। फैक्ट बोलो ना भैया। दुख में होता है तो सिमटता है, सुख में होता है तो फैलता है। बच्चे के हाथ में चॉकलेट तो माँ के पास ही नहीं आता, भूख लगी तो वहीं वहीं बैठा रहता है। कितनी बड़ी बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान महावीर साधना करने के लिए जंगल में क्यों चले गए, हमने कहा महादुखी थे। बोले क्या बोल रहे हैं आप, अरे एकांत में व्यक्ति जाता है तो समेट के लाता है और जब धन संपत्ति लेके आता है तो सबको बांटने के लिए आता है। वहां उठाने गए थे, वो लेने गए थे, जगाने गए थे और तुम्हारे लिए श्रम कर रहे थे, इसलिए शहरों में आके बांटा है और जंगलों में जाके कमाया है, इसलिए एकांत में चले आता है। तब ओम ब्रीम पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं नृपामति हो गया पंडित जी बोलू। ओम ब्रीम पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं नृपामति। आइए सुमन, तीन लोग आइए। परमात्मा की स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए, हम गुणगान तो उन्हीं का करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, पूज्य होते हैं, हमसे गुणों में ज्यादा होते हैं। छोटों का गुणगान कोई नहीं करता, डांट डपट करता है, गुणगान नहीं। आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सब सागर तल के अंदर कितने रत्न छुपे, असंख्य अनंत, लेकिन वो वही व्यक्ति पा सकता है जो सागर के पानी को हटा दे, कचरे को हटा दे। जैसे ही पानी और कचरा हटता है तो रत्न उसके हाथ में आते हैं। कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर भी वो परमात्मा छुपा है। अगर कामनाएं और वासनाएं, आकांक्षाएं, राग द्वेष हट जाए तो परमात्मा का रत्न तुम्हारे हाथों में आ जाए, सागर के समान। ओम ह्रीम पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं नृपामति। पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यं नृपामति। ओम ब्री अगम गुणाय तुनाक्षर सहिता अर्घ्यं नृपाम। ओम ब्री अगम गुणाय तुनाक्षर सहिता पार्श्वनाथाय अर्घ्यं नृपामति। गुरुजी, भगवान का नाम लेने से कर्म कट जाते हैं, क्या पाखंड है ये? देखिए मेरी तरफ देखिए। किसी ने कहा कि गुरुजी चक्कू का नाम लेने से क्या जीभ कट जाती है? मैंने कहा नहीं कटती। तो क्या भगवान का नाम लेने से कर्म कट जाते हैं? मैंने कहा नहीं कटते। तो फिर क्यों लेते हो? मैंने कहा तुम्हारे जैसे को समझाने। बोले कैसे?
मैंने कहा नींबू का नाम लेने से मुँह में पानी आता, बोले आता, इमली का नाम बोले आता, और मैंने कहा आई लव यू कहूँ तो कुछ कुछ होता। अरे गुरु जी क्या बात करते हो, तो जब वो शब्द प्रभावी होंगे तो ये भगवान के नहीं होंगे। एक गाली तुम्हें अगर, एक गाली का शब्द तुम्हें अगर बेचैन कर सकता है तो मंदिरों की घंटियां तुम्हें आकर्षित भी कर सकती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी निषेध नहीं करना चाहिए। ओम ब्रीम कर्म बंधन विनाश काया क्लीम विजाक्षर सहिताया पार्श्न हजरेन्द्राया अर्घ्यम नृपामती। हो गए से निकली हुई है बातें, कितनी बड़ी बात कह दी यहां पर। बोले हे भगवान, जैसे पशु चराने वाला खेती करने वाला, जब बहुत से पशु पक्षी वहां घुसते हैं, खाली एक गुफा एक पत्थर यूं हिला देता है, सारे पशु बाहर चले जाते हैं। तो भक्त प्यार से श्रद्धा से भक्ति से समर्पण से एक बार नाम याद करता है तो भीतर के सारे दुख दर्द अशांति क्लेश मोह माया अपने आप छूट जाते हैं और आपका दर्शन हो जाता है। श्लोक देखिए, ओम ब्रीम दुष्ट उपसर्ग नाश काया क्लीम विजाक्षर सहिताया पार्श्वनाथाया अर्घ्यम नृपामती। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हे भगवान, मशक उसमें हवा भरते हैं तो मशक ने हवा को पार लगाया या हवा ने मशक को पार लगाया, बता बता। पड़ोसी की कसम में नहीं तो, हाँ दोनों ने एक दूसरे को लगाया। कह रहे कि भगवान आपने मुझे पार लगाया, मैंने आपको पार लगाया, मैंने आपको दिल में विराजमान किया तब आप उस पार गए। तो भगवान ने कहा पागल मैं नहीं जाता, अब जा मैं नहीं जाता तू जा। बोले मर जाऊंगा। तो बोले उल्टा क्यों बोलता है, अरे मेरे बैठने से तेरे हृदय के अंदर तू हल्का हो गया तो हवाएं तुझे और लहरें तुझे डुबा नहीं पाए, इतना प्रभाव है। अरे रामायण का कितना अच्छा किस्सा चलता है कि जितने लोग वहां खड़े थे हनुमान जी तुरंत राम लिखते थे पत्थर तैर जाता था, तो रावण से जाके कहा कि देखो राम की शक्ति कितनी बड़ी है कि नाम लिखो पत्थर तैरता है। बोले बस मेरा भी नाम लेके देख चल मेरे साथ, और रावण गया वहां पर, उसने पत्थर होता है पानी में फेंका और तैर गया। बोले बोल राम की बड़ा कि मैं बड़ा। अब बेचारा किंकर था उनका, उन्हें प्रभु आप ही बड़े। तो मंदोदरी खड़ी थी, बोले काय को डरता है रुक जा। मंदोदर गई पत्थर उठा लाई, बोले देख इसके नीचे राम का नाम लिखा है। बोले रावण ने भी राम का नाम लिखा तभी तेरा, बड़ी सामर्थ्य। आतंकवादी हो या बदमाश हो या रुच्चे हो या डाकू हो, पहले मंदिरों में जाके श्रीफल चढ़ाते फिर बाद में डाका डालने जाते हैं। क्यों भाई बोलो ना। चलिए, ओम ह्रीम शुद्ध्याय क्लीम बल बीचाक्ष सहिता पार्श्वेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती। क्या बात है, जब पानी अग्नि को बुझा देता है आवेश में आकर के तो बड़बन अला के पानी को जला देता है। यानी तुम्हारे अंदर भी इतनी तीव्र भक्ति पैदा होना चाहिए कि जो प्यार से फूलों की तरह तुम्हें गुमराह करते हैं तुम भी बरस पड़ो और राग कर दो, अपने आप को पहचानो। ओम ह्रीम अगर अनंग मथनाए
क्लीम जाचर सहिता पार्थ आया अर घमंड पामती पामती परेशान पर चल रहा था और कमल जी बड़े परेशान थे, तो अचानक क्या हुआ कि कमल जी खाना खाने बैठे तो दास साहब पहुंच गए। बोले कमल जी क्या हो गया आंखों में, तुमने ये चश्मा क्यों चढ़ा लिया? बोले यार मैं क्या बात हूँ, बड़ा परेशान हूँ। हुआ क्या? बोले आज तुम चश्मा चढ़ा के खा रहे हो, आज मैंने पहली बार देखा। बोले आप बड़ा परेशान, परिसन पर्व चल रहा है, हरी सब्जी खाना मना है, इसलिए हरे रंग का चश्मा चढ़ा के सुख। वृष्टि शोभिताया क्लीम बीजाक्षर सहिताया पार्श्वनाथाय अर्घ्यम नृपामति। जिनके पाँव में काया क्लीम बीजाक्षर सहिताया पार्श्वनाथाय अर्घ्यम नृपामति। अब बदल लीजिए, बदला लो। अब ओम ब्रिस्म ओम ब्रि विस्मय नी मूर्तये क्लीम बीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय गमृपामति। अत्रमं सन्नितोष सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं च ओ एकपदं तीर्थंकराय बीजाक्ष सहिताय अत्र तथा समसटवानं अतिष्ठस्थापनम अत्र मम सनितो सन्निधिकरणम ओम रते भगवते पदम प्रतिशंकराय कुमिलक्ष मनोवेगक्ष सहिताय ओम आम कौम भ्रीम ह्रा अष्टगर निवारक सब शांतिम करो करो जलादि अर्घ्यम नृपामति। चंद्रमलक्ष सहिताय अत्र तथा समसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्र सन्निधिकरण पुष्पांजलिं क्षिपामि ओम ते भगवते चंद्रपतितंकराय विजयज्ज्वालामणिसहिताय ओम आं क्रों ह्रीं ह्रां सूर्यमहाग्रह अष्टकष्टमाणं चंद्रमहाग्रह रोकष्टमाणं सब शांतिं कुरु कुरु जलादि अर्घ्यं नृपामति। ओम रथे भगवते बृतंकराय समगंधारेक्षी सहिताय अत्र समसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्र सन्नितोष सन्निधिकरण पुष्पांजलिं क्षिपामि ओम रथे भगवते बृतंकराय सन्मुखेक्षी गंधारेक्षी सहिताय ओम आं क्रों ह्रीं ह्रां मंगल महाग्रह अरिष्टोकष्टमाणं सब शांतिं कुरु कुरु जलादि अर्घ्यं नृपामति। अत्र तथा समसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्र मम सन्नितोष सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि ओम रथे भगवते पार्श्वनाथतीर्थंकराय धनेन पद्मतीसहिताय ओम आं क्रों ह्रीं ह्रां केतु महाग्रहस्तुभ्रमाणं
सब शांतिम करो करो जल चंदन आदि घमर पाम ओम आम ह्रीम क्रीम छीम रूम राम ह्रीम रूम ओम नमो भगवते मणिभद्रा छेदपाला कृष्ण मंडाया चतुर्भुज जिन शासन बताया हिली हिली मिली मिली क्ली क्ली चक्षुर मई स्वाहा ओम फट ओम फट ओम फट ओम ब्रीम जगदम्बाय नमः ओम ब्रीम पदम प्रदेवाय 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 नमः ओम ब्रीम ओम ब्रीम पार्श्वनाथाय नमः ओम ब्रीम पार्श्वनाथाय नमः ओम ब्रीम चंद्रपुरुषेन्द्राय नमः ओम ब्रीम चंद्रपुरुषेन्द्राय नमः रक्षक होम फट रक्षक होम फट ओम विनाशनाय रक्षक होम फट मम दारिद्र्य दोष निवारणाय रक्षक होम फट होता वास्तु देवता कुल देवी कुल परंपरा के देवता दादा परदादा दादी पर भूल चुक हुई है उसके प्राश्चित स्वरूप हम गरीबों के लिए निछावर कर रहे हैं। जितने इंद्र बने हैं हमारे वो सब निछावर करेंगे। ओ